Good evening, student of class 11. It's your first. I'm going to draw first video of your class 11th syllabus from your class 11th syllabus. The last video that I sent you, it was the counseling classes. The student who were confused which subject we should opt for them only. Now, if we have chosen as commerce as subject, then I told you we need to study. If you are going to choose commerce as your subject in class 11th or 12th, then you need to study three subjects. First is accountancy, second is economics, and the third one is business. Accountancy में हम क्या पढ़ते हैं? आज हम इस बारे में कुछ बात करेंगे. What is accountancy? देखिए, I told you in last video, if you want to know about anything, then better to go with the definition. अगर आप बुक खोलते हैं और आपको नहीं समझ में आता है कि ये क्या होता है, तो try to understand the definition, what it is. If you will know the definition, then you will know anything, what is it. तो अकाउंटेंसी के जानने के लिए सबसे पहले आज भी हमने डेफिनेशन को यहाँ पे लिखा है, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम आपसे बात करेंगे. देखिए, अकाउंटेंसी एक विषय है और अकाउंटिंग एक आर्ट है, एक सिस्टम है, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे. आप सबको पता है कॉमर्स चूज करने का मतलब, कहीं ना कहीं पहले वीडियो से बता रहा हूँ, पहली क्लास से बता रहा हूँ, थिंक लाइक अ बिजनेसमैन, जस्ट थिंक यू आर अ बिजनेसमैन. कोई भी किसी भी चीज़ को बिजनेस के नज़र से अभी से देखना शुरू कीजिए. अपने अंदर वो सेंस डेवलप कीजिए बिजनेस वाले. किसी भी चीज़ के बेनिफिट, मेरिट और डीमेरिट को देखिए, स्पेशली फाइनेंशियल मेरिट और डीमेरिट, जो कि भाई किसी के काम करने से हमको फायदा है, किसी काम करने से हमको घाटा है. तो बिजनेस के नज़रिए से सब कुछ सोचिए. एवरीथिंग इज बिजनेस हियर इन द वर्ल्ड, सब कुछ बिजनेस ही है. तो जब आपने कॉमर्स को सब्जेक्ट के लिए चुना, तो उस तरीके की सोच भी बनाइए. मीन्स थोड़ा बिजनेस मोटिव होकर के सोचिए, समाज में बिजनेस देखिए होता क्या. जब आप एक बार ये बात सोचेंगे, तो आप देखेंगे कोई शॉपकीपर है, अब कोई देखेंगे कोई स्ट्रीट वेंडर है, आप देखेंगे कोई बड़े से शोरूम में बैठा है, आप देखेंगे कोई सर्विस कर रहा है, आप देखेंगे कोई बड़े से मॉल को खोल के बैठा है, आप देखेंगे उसी मॉल में कोई स्लीपर भी है. तो ये सब कहीं ना कहीं एक बिजनेस है, सब का सब एक बिजनेस है, सब लोग बिजनेस करते हैं. तो बिजनेस आपने अगर कॉमर्स को चूज किया है, तो थोड़ा बिजनेस के स्टाइल में सोचना शुरू कीजिए. एक बार में तो नहीं होगा, बट पहले वीडियो से बता रहा हूँ, बिजनेस को बिजनेस का ढंग से सोचना शुरू करें. नाउ मूव ऑन योर टॉपिक, दैट इज व्हाट इज अकाउंटिंग. देखिए, हम सब जीवन में कहीं ना कहीं अकाउंट मेंटेन करते ही हैं. अगर मेरे पास 100 रुपये कल था, आज मेरे पॉकेट में 10 रुपये बचे, हम सोचते गए यार तब पे रुपये कैसे खर्च हो गए, तो हम तुरंत रिकॉल करते हैं कि अच्छा हाँ 10 रुपये वहाँ खर्च हुए थे, 20 रुपये वहाँ, 50 रुपये वहाँ, 80 रुपये हो गए, 10 रुपये वहाँ, 90 रुपये, इसलिए 10 रुपये बचा. तो ये क्या है? लेखा जोखा. जो आपके पास 100 रुपये थे, उसका आपने अकाउंट मेंटेन कर लिया. ये अलग सी बात है कि आपके पास 100 रुपये थे, इसलिए याद रखना आसान रहा. देखिए, आज के समय में हर बिजनेस में लोग उधार मतलब क्रेडिट पे परचेज भी करते हैं, क्रेडिट पे सेल भी करते हैं, मतलब उधार खरीदते भी हैं और उधार बेचते भी. ध्यान रखिएगा, बिजनेस वगैरह उधार का नहीं चलता. नाउ मूव टू द डेफिनेशन. द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग कॉमा क्लासिफाइंग, देयर इज हियर विल आल्सो बी कॉमा, एंड समराइजिंग इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर. मतलब अकाउंटिंग क्या है? द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करने की कला,
क्लासिफाइंग, क्लासिफाई करने का मतलब उसको सेपरेट सेपरेट कई डिपार्टमेंट में बांटने की कला, एंड समराइजिंग, आप किसी स्टोरी को पढ़ के छोटे में समरी देते हैं, एक साल के बिजनेस को एक बैलेंस शीट रिप्रेजेंट करती है, दैट इज हमारे, दैट इज समराइजिंग। बैलेंस शीट का नाम आपने कभी सुना? नहीं सुना तो जानिए बैलेंस शीट क्या होती है। हर कंपनियां साल के अंत में आपको थ्री मंथ की क्वार्टरली हर कंपनियां बैलेंस शीट इशू करती है, जानिए कि बैलेंस शीट क्या। तो व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करने की कला है। मतलब रिकॉर्ड करने का मतलब, एक अगर छोटे से शॉपकीपर को ही उठा ले तो एक दिन में बहुत लोगों को वो सेल करता है, बहुत बार परचेज करता है, किसी को उधार सेल कर रहा है, किसी से उधार खरीद रहा है, किसी को उधार बेच रहा है, किसी को वो दान दे रहा है, कभी रेंट दे रहा है, कभी बिजली की बिल दे रहा है, कभी फर्नीचर वाले को पैसा दे रहा है, कभी कारपेंटर को पैसा दे रहा है, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, ट्यूबलाइट फूट गए तो एक ट्यूबलाइट ला रहा है। तो ये सब क्या है? उसके बिजनेस के इवेंट है। सब क्या है? उसके बिजनेस के इवेंट। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, इन सबको रिकॉर्ड करने का आर्ट, जो अभी मैंने आपको बोला। क्लासिफाइंग, बाद में इसको क्लासिफाई करते हैं कि परचेज, टोटल परचेज कितना है, सेल कितना है, उसमें भी क्रेडिट परचेज कितना है और कैश परचेज कितना है, क्रेडिट सेल कितना है, कैश सेल कितना है, डेटर कितने हैं मतलब उधारी, उधार कितने का बिका, क्रेडिटर कितना है इसका मतलब उधार कितने रुपए का खरीदा, रेंट कितना दिया, हमारे पास फिक्स एसेट्स कितनी है। तो अलग अलग सारी चीज़ों को पहले रिकॉर्ड करता है, फिर क्लासीफाई करता है, फिर समराइज साल के अंत में, जिसको 31 मार्च क्लोजिंग डे होता है। आपके जिसके घर में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई होगा वो जानता होगा इस बात को कि 31 मार्च क्लोजिंग डेट क्या चीज़ होती है, कितने परेशान होते हैं एम्प्लॉयज। तो उस तारीख को समराइज मतलब एक साल के बिजनेस की समरी को रिप्रेजेंट करता, मतलब अकाउंट क्या है, अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग एक कला है जिससे कि रिकॉर्ड किया जाता है सारे के सारे ट्रांजेक्शन को, सारे के सारे लेन देन को क्लासीफाई किया जाता है, जैसे जैसे जरूरत होती है हमको ये देखना है कि परचेज हमने कितना किया तो तुरंत परचेज काउंट करते हैं, सेल कितना हुई अभी तक तो सेल काउंट करते हैं, तो वो क्लासिफिकेशन की कैटेगरी में जाता है। एंड समराइज साल के अंत में पूरे के पूरे एक साल का रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट, जैसे आपको साल के अंत में एनुअल कार्ड का रिपोर्ट देते हैं स्कूल, वैसे ही एक साल के अंत में हर कंपनी अपनी बैलेंस शीट देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ व्हाट इज बैलेंस शीट, क्लास 12th वालों को बताता हूँ, यू मे आस्क टू योर सीनियर व्हाट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट वो जो किसी कंपनी की औकात बताती है, रिमेंबर इट फ्रॉम द फर्स्ट डे। इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन, किस टर्म्स में? मनी के ट्रांजेक्शन, मनी के टर्म में ही सिर्फ रिकॉर्ड करता है वो हर चीज जिसका जो फाइनेंशियल कैरेक्टर का उसी को रिकॉर्ड करता। जैसे हमने भी बताया था बातों बातों में कि हमारी शॉप है, किसी की शॉप है, अगर उसका ट्यूबलाइट भी टूटता है वो ले आता है, वो उसके बिजनेस से रिलेटेड खर्च है, वो उसके बिजनेस का एक खर्च है, उसको रिकॉर्ड करें, ठीक। लेकिन अगर कोई बिजनेसमैन, अगर कोई शॉपकीपर अपने बच्चे के लिए एक साइकिल खरीदता है, वो खरीदी हुई साइकिल टूटती है तो उसको वो उसके लिए उससे कोई मतलब नहीं, वो उसके लिए फाइनेंशियल कैरेक्टर का नहीं, उसके लिए वो फाइनेंशियल कैरेक्टर का नहीं, फाइनेंशियल कैरेक्टर का उस शॉपकीपर के लिए, उस बिजनेसमैन के लिए जो फाइनेंशियल कैरेक्टर का होता है उसको रिकॉर्ड कर। मालिक का पैर टूट गया उसके फाइनेंस से कोई मतलब नहीं। हाँ, अगर शॉप पर कोई शीशे का सामान, कोई शीशे का शोकेस ये टूटता है तो वो फाइनेंशियल कैरेक्टर का हो सकता है। कैसे? क्योंकि वो कह सकता है हम तो इसको 200 रुपए का खरीद के लाए तो 200 रुपए का नुकसान, पैर टूटने को वो नहीं कहेगा, वो आपकी पर्सनल चीज, ठीक। तो ये डेफिनेशन है अकाउंटिंग की जो मैंने आपको समझाई। आप एक से ज्यादा बार वीडियो को देखें, क्योंकि आपके शुरुआती क्लास है, एक से ज्यादा बार देखें और जितना हो सके ग्रुप पे क्वेश्चन करें। आई वुड बी डेयर टू आंसर, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ इनिशियली यू विल नॉट बी एक्टिव then you will there would be a less capacity to learn, then you cannot create enough interest to learn a new subject. If you want to learn
and catch the new subject well, then you need to start with full enthusiasm. Now I'm going to tell some important thing. What is accounting? मैंने अभी आपको बताया. अब now I'm going to tell you. Now I'm going to explain you in layman language. Let me the definition. I told you. I explained you, and it is written there. You may go to you may check in your notebook. देखिए मैंने आपको शुरू में एक चीज बताई कि जिंदगी में हर इंसान अकाउंट मेंटेन करता है, लेकिन हम जो ये अकाउंट मेंटेन करते हैं ना वो बिजनेस का अकाउंट, बस फर्क इतना ही है कि जो हम अकाउंटिंग जिस अकाउंटिंग की हम बात कर रहे हैं वो अकाउंट बिजनेस का है. अब देखिए बिजनेस की ही बिजनेस अकाउंट को ही मेंटेन करना है, हम बिजनेस अकाउंट की ही तरफ चलेंगे. आप अपने अगल बगल जहाँ से भी सामान खरीदते हैं, ग्रॉसरी शॉप से, मतलब बंसारी की दुकान से, अगल बगल कहीं से भी आप कोई भी हो, कभी तो किसी दुकान से कुछ ना कुछ खरीदा ही हो, आप उसके बारे में ध्यान दीजिए. नहीं अगर ध्यान जा रहा है तो एक बार जाइए वैसी दुकानों पर, देखिए एक दिन में वो उसके पास, जस्ट सपोज मिर्जा मुराद हाईवे पर एक कोई शॉप है, वो मेन हाईवे है, कहीं से भी इलाहाबाद से, कानपुर से, जहाँ से वो लोग पुरानी Now it's been 38, I think. तो वहाँ से 93, वहाँ से जो मीन्स हाईवे पे जो लोग आ जा रहे हैं, कोई कार रोकता है, सामान खरीदता है, उस शॉप से चला जाता है, बहुत सारी एक्टिविटीज होती रहती है एक दिन में. आप देखेंगे कि आप भी और या जिस दुकानदार के पास जाएंगे वो भी किसी को उधार बेचता है, उससे पूछेंगे तो मालूम होगा कि हाँ उधार खरीदते भी. अब ये बताइए, छोटा सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, वैसे तो मेन अकाउंटिंग आप सीखेंगे लेकिन ले मैंने इसलिए ताकि आपका दिमाग वहां तक क्लिक कर जाए. वो जो शॉपकीपर जो उधार बेचता या खरीदता है, अगर आप उससे पूछेंगे, मान लीजिए आप ही उससे उधार खरीदते हैं, तो एक छोटी सी कॉपी पर सपोज कीजिए उसकी उसके पास कोई कॉपी होगी, उसमें नोट करता है कि आपको उसने कितने रुपए का, just suppose your name is A, I'm not going to mention any name because you will start creating and commenting. मान लीजिए किसी शॉपकीपर से आप किसी A ने सामान खरीदा, तो वो शॉपकीपर क्या करेगा, अपने यहाँ बुक में डालेगा A, डाल देगा 10 रुपए का कोई सामान, ठीक, ये कोई शॉपकीपर है जैसे, और उसके यहाँ से किसी ने सामान खरीद, किसी ए ने सामान खरीद. मान लीजिए कोई दूसरा शॉपकीपर है जिसका नाम है वाई, उनके यहाँ एक कस्टमर आता है, समझिएगा स्टेप बाय स्टेप एक एग्जांपल सेट कर रहा हूँ, जिस दिन एक एग्जांपल समझ में आ जाएगा उस दिन आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा कि हाँ रियली व्हाट इज अकाउंटिंग. मान लीजिए एक कोई शॉपकीपर है जिसका नाम है वाई, और उसके यहाँ दूसरा एक कस्टमर आता है जिसका नाम है पी, वो भी जाता है उधार खरीदता है, तो भाई वाई जो है जो शॉपकीपर है उसको याद रखने के लिए फिर अपने यहाँ एक अकाउंट मेंटेन करने करेगा, मीन्स बुक में उसका नाम लिखेगा बी, यहाँ पे रेट डाल देगा 15 रुपए का. हो सकता है वाई के अकाउंट मेंटेन करने का तरीका ये हो कि वो यहाँ पे डेट भी मेंशन करता हो कि हाँ आज 10/4/2020 को बी को हमने 15 रुपए का सामान बेचा. सपोज कीजिए कोई तीसरा शॉपकीपर इसका नाम है एक्स, उसके पास कोई कस्टमर जाता है जिसका नाम है सी, ठीक है, वो उससे कोई सामान सी एक्स से कोई सामान खरीदता है और उधार, ये सब लोग उधार, मतलब सारे शॉपकीपर उधार बेच रहे हैं और ये सारे कस्टमर जो बॉक्स में दिए छोटे बॉक्स में ये सब कस्टमर हैं, और जो ऊपर जेड वाई एक्स है ये सब को मैंने एग्जांपल में माना है कि वो सब शॉपकीपर. तो एक्स क्या करेगा, सी को जब उधार बेचेगा तो उसको भी मेंशन करेगा, तो लिख देता है चलिए 20 रुपए का ये कोई सामान लेते हैं, और एक्स अपने यहाँ अकाउंट मेंटेन कर लेता है. लेकिन ए की आदत तो सिर्फ वो पैसा लिखना, सॉरी जेड की आदत तो सिर्फ पैसा लिखने की, वाई की आदत पैसे के साथ साथ वो डेट भी मेंशन करता है, और एक्स की आदत वो पैसे के साथ साथ
डेट भी मेंशन करता है 10/4/2020। वे अब कहता है सी से, एक्स कहता है सी से, क्योंकि एक्स शॉपकीपर है, यहां पे आप अपनी सिग्नेचर भी कीजिए। ठीक, तो सी कहता है ठीक है भाई। तो अकाउंटिंग जो होती है, जितने भी एक शॉपकीपर हो, एक बड़ी कंपनी हो, एक मल्टी स्टोर हो, वो जितने भी आजकल तो कंप्यूटर से अकाउंट मेंटेन किया जाने लगा, जितने भी लोग बिजनेस होते हैं वो उन सब को, छोटे से लेके बड़े शॉपकीपर तक को, वो सब अकाउंट मेंटेन करते हैं। ये अलग सी बात है, कोई लेमैन लैंग्वेज के, लेमैन के जैसे, मतलब वो लेमैन का मतलब वो जो शॉपकीपर को समझ बैठे कि हाँ हमने वो ये समझ बैठे कि हाँ आपके यहाँ इतना बाकी था उसको लेना है। जैसे जेड ने मेंटेन किया कि ऐसे 10 रुपये लेना है, वाई ने मेंटेन किया कि 10 तारीख को बी 15 रुपए का सामान लेके गया था उससे लेना है, और एक्स ने ये मेंशन किया कि 20 रुपए का सामान सी को बेचा इतनी तारीख को, अधिक सिग्नेचर भी करवाया। ठीक है, तो आप देखेंगे अकाउंट जो मेंटेन किया जाता है सबका अलग अलग, मतलब जितने लोग दुनिया में, देश में जितने लोग, सबका अलग अलग ढंग हो जाता है अकाउंट मेंटेन करने का। क्या हो जाता है, सबका अलग अलग ढंग हो जाएगा, कोई कुछ करेगा, पता चलता है कोई अगला शॉपकीपर है जो अमाउंट भी मेंटेन करता है, डेट भी मेंशन करता है, सिग्नेचर भी करवाता है, उसके साथ साथ कमोडिटी भी लिखता है कि वो क्या लेके गए हैं आप मेरी शॉप से। तो जितने लोग उतने मेथड हो सकते हैं अकाउंट मेंटेन करने के लिए। तो एक एक यूनानिमस सिस्टम की हमको जरूरत पड़ी, मीन्स अकाउंट मेंटेन करने के लिए हर इंसान का अपना अपना लॉजिक हो सकता है कि कैसे कैसे लोग मेंटेन कर ले रहे हैं। तो एक वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट करने के लिए, वर्ल्ड वाइड अकाउंट को मेंटेन करने के लिए एक यूनानिमस, जो मतलब जिसको वर्ल्ड वाइड, जिसको एक्सेप्ट किया गया पूरे संसार भर में, जिसको एक्सेप्ट किया गया हो ज़्यादातर जगहों पर, जहाँ जिसको एक्सेप्ट किया गया हो, उस अकाउंटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। उस अकाउंटिंग सिस्टम को जिसको कि दुनिया के ज़्यादातर क्या 99.99% लोग जो एक्सेप्ट करते हैं, उसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। क्या बोलते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। अब आपके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट हो, आप सोचें हाँ ये होता क्या है, जो मैंने आपको सारी बातें अभी कहानियों के रूप में सुनाया, छोटी सी बात और आपको बताता हूँ। बाकी डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बात पढ़ेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे किसको कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट करना है। तो आप ऐसे समझिए, आप हम सब भारतवासी हैं, भारत में आपने एक चीज़ देखा होगा, या फिर अपने पिताजी से दादाजी से अगर डिस्कस करेंगे तो यू कैन easily you can understand, you will listen some story behind this, कि हमने देखा है कि इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता था कि दीपावली से दीपावली अकाउंट मेंटेन होता था, लाल रंग की इतनी मोटी बुक, उस पर श्री गणेश सदा सहाय ऐसे लिखा होता है, होता था इतनी मोटी बुक, जो उस वक्त के अकाउंटेंट, जो आज के अकाउंटेंट है, उस वक्त के मुनीब मुंशी कहे जाते थे, जो लोगों के यहाँ का अकाउंट मेंटेन करते थे। दिवाली टू दिवाली, दिवाली क्लोजिंग डेट धार्मिक रूप से, ये हमारे भारत का अकाउंटिंग सिस्टम मैं बता रहा हूँ, आपने खुद भी देखा होगा कहीं, या फिर अपने पेरेंट्स से पूछेगा कहीं ना कहीं सबको मालूम हो जाएगा कि भारत में जो अकाउंटिंग सिस्टम था वो कौन सा था। उसके लिए जो बता रहा था, लाल रंग की मोटी सी बुक दिवाली से दिवाली चलती थी, एक साल वही होता था। जो भारतीय लेखा प्रणाली थी, जिसको इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम इंग्लिश में कहते हैं, वो थोड़ा डिफरेंट थी, वो कॉलम खींचने वाली नहीं थी। अब का अकाउंटिंग कॉलम खींच के क्या है, वो एक पेज को आठ, एक पेज होता है ना, नाउ आई कैन सी यू, लेट मी इलस्ट्रेट, जस्ट सपोज दिस इज द पीस ऑफ पेपर, now you got two column, now further the
one of these two is further divided into two. Now you can divide these also. Now you got four column. Now divide the Now you will get the, through the way you will get 8 column. Not draw by scale. It's just folded. And you can start with here Sri Ganesh Ji Sadasahai. Iti Riti Sudhi Sudan. Sudhi Sudan means these are the months of the Hindi calendar. Through the way you can, we, our ancestor in India, maintain the account. तो हमारे यहाँ का ये सिस्टम था, किसी और देश का कोई और सिस्टम ना हो, तो हमको उस लिए भी एक ऐसे सिस्टम की जरूरत पड़ने लगी जिसको कि वर्ल्ड वाइड लेवल पर एक्सेप्ट किया जाए और जो कि समझना और समझाना सब इजी हो, जिसको करना अकाउंट मेंटेन करना और किसी ऑफिसर के सामने, किसी गवर्नमेंट के सामने अपने बैलेंस शीट को सबको पेश करना सब कुछ इजी। इसके लिए जिस सिस्टम को हम फॉलो करते हैं वो होता है जो स्टैंडर्ड सिस्टम होता है, वो होता है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंट। रिमेंबर इट, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंट। तो डबल एंट्री सिस्टम के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई वीडियोज, जितनी बार आप देखेंगे उतनी बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, दैट्स माई गारंटी, बिकॉज इट्स योर इनिशियल क्लास। थैंक यू।